हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंजा देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना से हवाई, जहां के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैग जानी के घरे माही रीवा ईओडब्ल्यू के टीम उठबिहन ने 5 बजे छापामार कार्रवाई करी। ये कार्रवाई माही 1 करोड़ रुपया से अधिक के संपत्ति का खुलासा भा हवे। अब कार्रवाई चलते लाखी बे। अब बहनों अंदाजा हवे के और संपत्ति के खुलासा हो सकत हवे। यह कार्रवाई सुनील कुमार मिश्रा के घरे में हो रही हवे, जो उनके सतना मारुति नगर में बना हवे। इसमें मैंने बताया कि अभी इनका फार्म हाउस का जो कमरे हैं उसकी तलाशी नहीं हुई है और लगातार कागज़ मिलते जा रहे हैं। अभी तो केवल 12 ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, जबकि जो है और जो अभी उनको अध्ययन किया जा रहा है उन कागज़ों का, तो शाम तक संभावना है कि कई और करोड़ों की ज़मीनें उनके पास से मिलेंगे कागज। कितने ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और कितनी सदस्यीय टीम इसमें लगी? मूलतया ये इनका मुख्य घर मारुति नगर सतना में है, जो कि वहाँ की बड़ी प्रमुख कॉलोनी है, वहाँ पे सर्च कार्रवाई चल रही है। खबर रीवा से हवाई, जहाँ के नगर निगम के विद्युत शाखा के स्टोर में ही शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। ये घटना से इलाका में ही हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक रही कि 4 दमकल के टीम मिल के आग का बुझावे में लगी रही। वहीं आगजनी के मामला संदेह में हवे, काहे से के कई बेरी शासकीय कार्यालय में ही आग लगाए के सबूत से घलाए छेड़छाड़ की जाती है। वहीं सलगा मामला के जांच के बाद एक भेद खुल सकी। शाम में हमको जानकारी लगी, वहाँ से धुआं वगैरह उठ रहा था, तो हमने देखा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हमने उसको सेव किया है और भी जो भी फायर था उसको सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट हाँ जी, किस काम किस किस चीज़ का हुआ है? अभी 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 कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग उसको जो तो एनालिसिस कर रहे हैं और एग्जैक्ट जो है तो उसका रीज़न हम लोग देख रहे हैं। वही एग्जैक्ट रीज़न अभी हम उसको देख रहे हैं कि क्या था उसका, अभी हमको नहीं। माँ तुझे प्रणाम योजना माही हर साल के नाई एहू दर की सरकार प्रदेश के कोने कोने से बीटीएन का बॉर्डर का देखे खातिर भेज रही हवे। रीवा संभाग से 16 बीटीएन का बाघा बॉर्डर में पठवा का एकर जानकारी में प्रभारी बताइन कि यह बड़ी खुशी की बात यह है कि रीवा संभाग के 16 बीटीएन का बाघा बॉर्डर पठवा गा हवे, जोने माही रीवा जिला के 4 बीटीएन का योजना के तहत भेजा गा हवे। आई एम फीलिंग टू नाइस बिकॉज इट्स माय फर्स्ट जर्नी टू वंडर द पंजाब एंड आई नॉट ओनली आई एम बट ऑल्सो ऑल ना केवल हम बल्कि सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हैं बाघा बॉर्डर घूमने के लिए, क्योंकि ये लाडली लक्ष्मी योजना है और इससे लड़कियों को ले जाया जा रहा है और सारी चीज़ों को एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए लड़कियां और एक्साइटेड हैं कि उनको एक एक चीज़ दिखाया जाएगा। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ हैं, रीवा संभाग की बच्चियाँ हैं, 16 बच्चियाँ यहाँ से जा रही हैं। हर ज़िले से 4 बच्चियां हैं जो माँ तुझे सलाम कार्यक्रम, जो मध्य प्रदेश शासन का है और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को बॉर्डर तक ले जाया जाता है, बच्चों को आर्मी से और जो हमारी सैन्य व्यवस्था है वो देखने को और वहां पर किस प्रकार से लोग रहते हैं वो देखने का एक मौका मिलता है। खबर रीवा से है, जहां कोर्ट परिसर के लगे उस समय हड़कंप मचा जब स्कूटी मजात बिटिया लड़का के साइकिल सवार डिलीवरी बॉय के संगे टक्कर हुई गई, जिसके बाद डिलीवरी बॉय के संगे मारपीट कर दी। घायल डिलीवरी बॉय के शिकायत में ही पुलिस आरोपी युवक के ऊपर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या जान भैया, उसका क्या नाम है? बाकी उनके वो लड़का का नाम है जो ये कोर्ट के पास बिना मतलब में मार रहे हैं। हाँ, जल्दी आ जाओ। ये भी साथ में है, ये भी साथ में उसको छेड़ रहा था, वो छेड़ रहा था, खबर रीवा से है, जहां के गुड़ थाना के बदवार सौर के लगे नेशनल हाईवे 39 माही सीधी कैद से आवे वाली कार पलट गए।
यह हादसा में ही कार सवार एक आदमी का बहुत चोट आई जबकि बाकी कार सवार सुरक्षित हमा। मौका में पहुंची पुलिस डायल 100 से घायल का संजय गांधी अस्पताल पहुंचाई नहीं है जहां इनका उपचार की जाला है। अघोषित बिजली के कारण जहां अधिकतर बोरवेल के मोटर नहीं चला लगा ही तो वहीं ग्रामीण आंचल के लोग बूंद बूंद पानी खातिर मोहताज हुई रहे। हम नदी तालाब के पानी तो पहले सूख चुका है वहीं अब किसानन के प्याज के फसल झुराला ही जेके बाद किसान बर्बाद हो रहे। हम पहले समय होए वाली कटौती के कारण नई गढ़ी अंचल के किसानन के फसल झुराई गई है जेके कारण किसान और लाइन मैन के बीच अक्सर झड़प होत रहा थी भाई। किसान अपन समस्या सुनाई के लाइन मैन का जम के लताड़िन और यहाँ तक के कहिन के अधिकारी अपने घरे के महिलन का सुबह के टाइम में ही बिजली चालू करा थमा उनका किसानन के समस्या से कोनो मेर के मतलब नहीं आए। ये उद्देश्य में है भला ये आप एक बिजली विभाग मेरे क्षेत्र का एक अधिकारी है आप मैं आपसे बता रहा हूँ मेरे विनती है कि आप लोग इस तरह के दमन मत करिए किसानों का। अब जो गुरुदेव हमको ऊपर से आदेश मिलेगा वही कोई आदेश नहीं है कोई आदेश नहीं है चूतिया बनाने का आदेश है आप लोगों को। सुनिए हर क्षेत्र में लाइट देने का 12 घंटा का ऐलान है 12 घंटे में आप कितने घंटे तीन ऑफिस लाइट दे रहे हैं आप बताइए 10 घंटे आज 10 घंटे लाइट आप दे रहे हो ऊपर बताइए तीन ऑफिस की 10 घंटे लाइट किसान को मिल रही है किसान कितने बजे 11 बजे से 4 बजे के ये आपने ये भी आप घंटे में आप टाइम ले रहे हैं 4 घंटे आप धूप में दे रहे हैं आपका है 2 शिफ्ट लाइट होना चाहिए ये नहीं है कि आप जो है तो 12 बजे दोपहर में लाइट दिए जब आपके बहन बेटियां एसी में सोने को तब तुम 11 बजे के बाद लाइट देते हो। मैं कहां रहती हूं ग्राम पंचायत का का नाम है अंशुजा साहब कह का बिजली की समस्या के लिए समस्या काफी चल रही है कोई बिजली नहीं मिल रही है। हां किसान परेशान है प्याज सूख गई है प्याज सूख गई किसान की कितने घंटे बिजली एक दो घंटे जो आती है सिर्फ जो है थोड़ा अर्जेंट आती है मोटर नहीं चलता पानी उनी मिल जाए पानी पीने भर के मिलता है तो रीवा जिला खातिर मिली 31 एम्बुलेंस का ही पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला हरी झंडी दिखाए के अलग अलग विकास खंड खातिर भेज दी। उन्हें पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला कहिन के एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली से चलाए वाली जननी और 108 एम्बुलेंस का ऐप से घर में बुलावा जा सका था। एक साथ है विधायक शुक्ला जिला अस्पताल के परिसर में ही बनाए वाले सुलभ कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण घलाय करें। आज 108 एम्बुलेंस जो कि वरदान साबित हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के लिए जो रोड एक्सीडेंट में अचानक घायल हो जाते हैं या गांवों में बीमार हो जाते हैं और जननी सुरक्षा एक्सप्रेस जो ऐसे लोगों को जिनके घर में वाहन नहीं है और अचानक अस्पताल में भर्ती करने की गुंजाइश ज़रूरत पड़ती है तो ये जननी सुरक्षा एक्सप्रेस उन तमाम परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है। उसके लिए जो गाड़ियाँ चलती थी पुरानी हो गई थी तो आज बड़ी खुशी की बात है कि 31 गाड़ियाँ रीवा ज़िले के लिए अलॉट हुई हैं जिसमें 108 एम्बुलेंस भी है और जननी सुरक्षा भी है। ये वेल इक्विप्ड हैं एम्बुलेंस इसमें तमाम तरह की आधुनिक मशीनें हैं जो ट्रॉमा में यदि कोई पेशेंट है तो तत्काल उसको एम्बुलेंस में ही राहत मिलती है और फिर उनको जिला अस्पताल में या संजय गांधी अस्पताल में पहुँचाने का काम होता है। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली से है जहां गनियारी के अनुसूचित जनजाति छात्रावास में ही 1 मई से छात्रन का मिले वाला खाना और नाश्ता का बंद करे के फरमान जारी कर दिन का हवे। ये आदेश के बाद छात्रावास में पढ़े वाली बिटियन में ही खासा गुस्सा हवे जिसके बाद बिगड़ी छात्रा सिंगरौली के DM के दफ्तर में पहुंची और भोजन के व्यवस्था का पुन के चालू करे के मांग करे नहीं भाई। है कि जिस तरीके से छात्रावास संचालित था चरणबद्ध तरीके से उसी तरीके से इनका छात्रावास संचालित रहे क्योंकि अभी कॉलेज इनकी संचालित है और इनका अभी एग्जाम भी चल रहा है कुछ लड़कियों का भी फॉर्म भी नहीं भरा है उनका फॉर्म भी भराना है और कुछ लोगों का BSc फाइनल ईयर वालों का पेपर आज से समाप्त हो जाएगा लेकिन उनका भी प्रैक्टिकल बाकी है ऐसे में अगर खाना बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। आज के बुलेटिन में इतने बघेली में खबर खातिर देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।